और दोस्तों क्या हाल आप सभी लोगों का। चलो आप लोगों से मिलाता हूँ। मेरी राम प्यारी मेरा फार्म ट्रैक्टर है ना कमाल का भाई साहब। मैंने इसके अगले टायर है ना 32 इंची करा रखे, मतलब बहुत तगड़े टायर से तुम्हारे भाई के ट्रैक्टर में, समझ रहे एकदम खतरे तरीके से। तो गाइस यार अभी मेरे को कॉल आया है एक फार्मर का, उसने बोला है कि भाई साहब मेरा खेत जोत दो आके। तो अभी हम लोग उसका खेत जोतने जा रहे हैं और भाई साहब उसके बदले में तुम्हारे भाई को पैसे मिलेंगे। तुम्हारे भाई की राम प्यारी तुम्हारे भाई के लिए पैसा कमा के देती है। चलो गाइस यार बस हम लोग पहुँच गए, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर इस खेत को जोतना है हमें अपने खतरनाक वाले फार्म ट्रैक्टर मुर्रा झोटी। ओके भाई साहब काफी बड़ा खेत लग रहा है। चलो पूछता हूँ इस बंदे से। हाँ भाई साहब तुमने फोन किया था क्या? यही है क्या राम प्रसाद का? हाँ मैं हूँ राम प्रसाद। हाँ तो यही खेत जोतना है क्या? हाँ खेत तो यही जोतना, पर भाई साहब थोड़ा टाइम लो। किस चीज में? अरे हमारे मालिक आएंगे, उनको बताना तो पड़ेगा ना। हैं तुम मालिक नहीं उस खेत के? नहीं नहीं हम तो देखभाल करते हैं इस खेत की, मालिक कोई और है ना इस खेत का, बहुत बड़ा खेत है हमारा नहीं है। अच्छा अच्छा कितनी देर में आएगा तुम्हारा मालिक? मालिक आते ही होंगे, फोन तो करके बोल दिया था कि तुम आने वाले हो, जब तक तुम्हें देख नहीं लेते जब तक तुम काम शुरू कर नहीं सकते हो यहाँ पर। अच्छा अच्छा यार ये भी सही है। हाँ मेरा ट्रैक्टर गंदा तो नहीं होगा, पानी तो नहीं भर रहा ना तुम्हारे खेत में? अरे नहीं नहीं खेत में पानी नहीं है फिलहाल। चलो गाइस यार ये तो टेंशन कम हुई, क्योंकि यार तुम्हारा भाई अपने बिल्कुल ट्रैक्टर को चमका के रखता है, देखो बिल्कुल शाइन मार रहा है बिल्कुल तगड़े तरीके से। अब गर्म हो जाएगा मेरा ट्रैक्टर, थोड़ा इसको छाया में खड़ी कर देता हूँ। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे यार मेरा ट्रैक्टर बिल्कुल शाइन मारता है तो भाई थोड़ा गर्म हो जाएगा ना गर्मी में, तो थोड़ा छाया में खड़ा कर दिया। अरे भाई साहब नया ही लगता है बिल्कुल। अरे नया नहीं है, मैं चमका के रखता हूँ मेरे ट्रैक्टर को। अरे बहुत प्यार लगता है तुम्हें तुम्हारे ट्रैक्टर से। हाँ मुझे मेरा ट्रैक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बस थोड़ा देर रुक जाओ, मालिक आते ही होंगे, फिर उनसे हाजिरी लेके तुम अपना काम शुरू कर देना। वैसे कितनी दाढ़ी मिलेगी मेरे को? हाँ वो तो मालिक ही बताएंगे सब कुछ, तुम्हें आते ही होंगे। अरे चलो दोस्तों यार जल्दी चलता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में तेल भरवाने लग गया था। अरे ओए राम प्रसाद, ये कौन है? एक सेकंड, ये मुझे कोई जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे राम प्रसाद इस आदमी से काम नहीं करवाना बिल्कुल भी। अरे सर क्या हो गया, क्यों नहीं करवाना? अरे ये ट्रैक्टर तो काफी ज्यादा मस्त है सेमी, इस आदमी से काम नहीं कराना। अरे तू सिंचन? हाँ मैं समित भैया। अरे सर आप इनको जानते हो क्या? हाँ मैं इनको जानता हूँ, मुझे इससे नहीं करवाना काम। अरे सर क्यों नहीं करवाना, हमें तो बस खेत जोतने से मतलब। अरे नहीं करवाना तो नहीं करवाना मतलब। अरे यार तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पर बुलाया क्यों था जब तुम्हें अपने खेत में काम ही नहीं करवाना? अरे हमें क्या पता था कि तुम आने वाले हो, हमें लगा कि कोई और आएगा खेत जोतने के लिए, पर तुम आए हो। अरे हमारे मालिक ने मना कर दिया भाई साहब, अब तुम खेत नहीं जोत सकते हो। पर भाई मेरे को पैसे तो दो मेरे तेल के। भाई इतनी दूर आया हूँ, तुम्हारा खेत कितनी दूर था? मेरा ट्रैक्टर का तेल खर्च हो गया भाई, मेरे को पैसे दो। अरे किस बात के पैसे, जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगा। अरे भाई साहब जाते हो यहाँ से, हमारे मालिक ने जो बोला सुन ही लिया होगा तुम्हें, हमें तुमसे काम नहीं करवाना, कहीं और जाके काम करो। सिंचन ये तू बहुत गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूँ तू पछताएगा। अरे समेत बैठ जाओ यार, तुम मेरे जैसे लैंडलॉर्ड के आगे क्या हो? मैं बहुत बड़ा मकान मालिक हूँ और इतनी सारी मेरे पास जमीनें हैं और तुम छोटा सा ट्रैक्टर लिए घूम रहे हो। अच्छा हाँ समेत बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे गाड़ी देख रहे हो मेरी, इतनी महंगी इतने में कम से कम 100 ट्रैक्टर खरीद लूँ ठीक है ना? अच्छा ज्यादा मत बोल, तेरे पास जमीन ज्यादा है तो मुझसे ठीक है ना? क्या जमीन ज्यादा है, तुम्हारे पास तो जमीन नहीं है देखो से इसको एक बार। अरे सही कह रहे मालिक, अरे चल गरीब अब जा यहाँ से, हमें तेरे ट्रैक्टर से अपना कोई काम नहीं करवाना, चल जा यहाँ से। अरे चलो हम किसी और को बुला लेंगे खेत करवाने के लिए, इसको जाने दो यहाँ से। आज सही में तुम्हारे भाई की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, मतलब आज का कोटा पूरा हो चुका है यार, मतलब आज से पहले मेरी कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई, और वो भी मेरे ट्रैक्टर के साथ। यार इतना चमका के रखता हूँ मेरे ट्रैक्टर को, और कोई तारीफ करता है पर आज तुम्हारे भाई की ट्रैक्टर की और तुम्हारे भाई की बेइज्जती हो गई है। मन कर रहा है इसकी गाड़ी के ऊपर ये ट्रैक्टर चढ़ा दो, पर कुछ कर नहीं सकता यार, क्योंकि सिंचन के पास बहुत ज्यादा जमीन है और ये करोड़पति आदमी है, मतलब बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड है, तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता यार। पर कोई बात नहीं यार, वक्त सबका आएगा, मेरा भी एक दिन वक्त आएगा जब मैं सिंचन से बदला जरूर लूंगा मेरी बेइज्जती का। छोड़ो यार इतना गुस्सा करते नहीं हम लोग, और कहीं चलता हूँ कहीं पर काम मिल जाए तो यार, क्योंकि यार ट्रैक्टर में यार तेल डलता है, तेल तुम्हें पता है यार हमारा फार्म ट्रक तेल नहीं तेल का पिप्पा है, बहुत तेल पीता है ये, तो इसके लिए इसमें तेल डलवाना पड़ेगा। और चलो चलते काम ढूंढते, यार काफी खेत है यार लॉस सेंटोस में, जरूरी थोड़ी कि मेरे को सिंचन के खेत में काम करना, किसी और के खेत में काम कर लेंगे, ट्रैक्टर ही तो चलाना है हमें, और हमारा ट्रैक्टर था ही तुम लोगों को इतना पता, शानदार एक नंबर का बढ़िया वाला मस्त वाला। तो गाइस यार थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए तुम्हारे भाई ने अपने ट्रैक्टर की वो छतरी उठा दी है ठीक है ना, अब अपना भाई मस्त ठंडी ठंडी हवा लेके जा रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब। बस अब काम ढूंढ रहा हूँ मैं, यहाँ पर काम मिल जाए यार, काफी सारे खेत है पर कोई काम। ओ एक सेकंड ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ? एक सेकंड यार लगता है कोई बूढ़ा आदमी रो रहा है, जाके देखता हूँ चल क्या रहा है भाई साहब, इसके तो पूरे खेत में आग लगी हुई है, क्या चल रहा है यहाँ पर ये? अरे बाबा क्या हो गया, किस लिए रो रहे हो? अरे मेरा खेत बर्बाद हो गया। क्या हो गया बाबा?
और मेरे खेत में आग लग गई, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं, कोई मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो। अरे बाबा खड़े हो एक बार। ओए बेटे मेरी मदद कर इस आग को बुझाने में, वरना मेरे पूरे खेत में आग लग जाएगी, मेरे सारे बीज खराब हो जाएंगे। बेटे प्लीज मेरी मदद कर दो, बूढ़े आदमी के बस की नहीं ये सब करना। टेंशन मतलब बाबा मैं आ गया हूँ, मैं आपके खेत की अभी आग बुझा देता हूँ। ओ बेटे तू कैसे आग बुझाएगा, पूरे खेत में आग लगी हुई है। अरे बाबा टेंशन क्यों लेते हो, खेत अभी गीला है थोड़ा बहुत। हाँ बेटे कल पानी तो दिया था। हाँ तो बस आप टेंशन मत लो यार, हमारा ट्रैक्टर कब काम आएगा भाई, मेरा फार्म ट्रैक्टर की पावर बहुत ज़्यादा है, आप देखो बस। बाबा दो मिनट रुको, अभी इतनी तेज धूल उड़ाऊंगा कि सारी आग बुझ जाएगी। धक 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 धक, ये लो भाई साहब घुमा दिया हमने अपना फार्म ट्रैक्टर। अब भाई मजा आ रहा है, ये भाई हिल रहा है बुरी तरह, अभी इसको बुझा दूंगा बाबा, टेंशन मत लो। और बेटे ट्रैक्टर में आग लग जाएगी। अरे बाबा ऐसे ही समझ रहे हो, कम ना है मेरा ट्रैक्टर, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर मेरा, ऐसे आग ना लगे इसके अंदर, ये लो भाई साहब। तो गाइस यार आखिरकार मैंने ट्रैक्टर घुमा घुमा कर सारी आग बुझा दी है। हो चलो बढ़िया है बाबा, बुझ गई पूरी आग, देख लो अभी कहीं आग लग रही हो तो बुझा दूंगा मैं। ओ बेटा तूने तो सारी आग बुझा दी, शुक्रिया तेरा। अरे शुक्रिया की छोड़िए, आप ये बताइए इस खेत में आग कैसे लग गई। और बेटे किसी ने लगा दी। क्यों, आपसे कौन बदला लेना चाहता है, कोई दुश्मन है आपका? और नहीं बेटे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर मैं रैम चैलेंज कराता हूँ, कोई चाहता नहीं कि मैं रैम चैलेंज कराऊँ, इसलिए उसने मेरे खेत में आग लगा दी। अगर मेरे खेत में आग लगी रहती तो मैं रैम चैलेंज नहीं करा पाता। मतलब रैम चैलेंज? हाँ बेटे मैं एक अंतर्यामी बाबा हूँ, और मैं ऐसे खतरनाक रैम चैलेंज कराता हूँ जिसमें जो कोई भी जीतता है उसको खतरनाक चीजें मिलती है। अच्छा बाबा, इसलिए कोई वो रैम चैलेंज करवाना नहीं चाहता था, इसलिए आपके खेत में आग लगा दी। हाँ बेटा पट्टू ने मेरी मदद की और खेत की आग बुझा दी। ओके ठीक है बाबा मैं चलता हूँ। ओ बेटे तू भी आना रैम चैलेंज के अंदर। हाँ ठीक है बाबा जरूर आऊंगा, देखते यार क्या रैम चैलेंज होने वाला है। बाबा ने बताया कोई रैम चैलेंज होगा और उसके अंदर कोई जीतता है तो उसको बहुत ही स्पेशल चीज मिलती है, तो मुझे भी तो चाहिए यार कोई स्पेशल चीज यार, और वैसे मेरे पास फिलहाल काम नहीं है आज, मैं काफी ढूंढ लिया कहीं पर काम मिल नहीं रहा, फ्री भी हूँ, चलो रैम चैलेंज कर लेते, क्या पता है हम लोग उस रैम चैलेंज में जीत जाए और मेरे को कुछ खतरनाक स्पेशल चीज मिल जाए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज में, मेरा नाम है बाबा भंडारी। अरे मैं जीतूंगा आज का रैम चैलेंज। ओ तो टाइम बताएगा कौन जीतेगा आज का रैम चैलेंज, पर आज के रैम चैलेंज में जो भी जीतेगा उसे एक ऐसी चीज मिलने वाली जो उसकी लाइफ चेंज कर देगी। अरे बाबा क्या मिलेगा ये तो बता दो। और तू जीतेगा ही नहीं तो तेरे को जानने का भी क्या मतलब, जीतोगे तो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। और तू भी आ गया? हाँ बाबा आपने बोला था ना। ओ शुक्रिया फिर से एक और बार तूने आग बुझा दी। अरे बाबा शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे इस रैम चैलेंज में इनवाइट किया, क्या मिलेगा वैसे? अरे बहुत कमाल की चीज मिलेगी, तो रैम चैलेंज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, देखते तुम में से कौन जीतता है। अरे तो पापा सबसे पहले मैं जाऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए। ओके तो गाइस यार सबसे पहले ये बंदा जा रहा है और मैं शायद इसको जानता हूँ। अरे समित तू मुझे जानता है? अरे हाँ तू तो बम ले रही है ना। अरे हाँ सुमित मैं ही हूँ। अब तू कैसे आ गया इस रैम चैलेंज के अंदर? तो गाइस यार ये बम लहरी आपको बताता हूँ ये कौन है, ये असल में इसके पास जॉन डियर ट्रैक्टर है, तो ये मेरी तरह ट्रैक्टर ही चलाता है। अरे सुमित टेंशन मत ले, अब मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा ना फिर मेरे को ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैं ऐसा क्या मिलने वाला है जीतने वाले को? अरे बड़ी कमाल की चीज मिलेगी। अबे शिट तू तो जीत ही नहीं पाया। अरे यार अरे बम लहरी हो या दम लहरी जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरा नाम है पपलू गुज्जर। ओ गाइस यार यहाँ पर पपलू भाई आ चुके हैं, देखते हैं यार पपलू भाई क्या करेंगे, और यहाँ पर अपनी बाइक लेके जा रहे हैं। अरे जीतूंगा तो मैं ही, मैंने बुढ़ापे में क्या, मैंने तो जवानी में इतनी सारी बाइक चलाई है, बहुत तगड़ा राइडर हूँ मैं। अच्छा मैं तो चाहे एक पीछे बैठा के चला लूँ आगे से ठा दूँ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर लग तो रहा है कि पपलू बहुत ज्यादा, पपलू गुज्जर नाम बताया तूने? हाँ पपला गुज्जर। पपला पपलू? पपला। अच्छा पपला किसने रखा है तेरा वाहियात नेम? अरे वाहियात नेम नहीं है मेरा, मेरा नेम बड़ा कमाल का है, पपला गुज्जर। ओके ठीक है चल यार देखते कि क्या करता है तू। तो गाइस यार यहाँ पर पपला गुज्जर काफी अच्छा करता जा रहा है, और गाइस यार जैसा कि मेरा दोस्त बमलेरी ने बताया कि यहाँ पर जीतने वाले की लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे को अब भी समझ नहीं आया ऐसा क्या मिलने वाला है। बड़ा ऐसी चीज मिलेगी कि लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके तो बाबा आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे लाइफ चेंज हो जाएगी, पर गाइस यार उस चीज को पाने के लिए पहले यहाँ पर जीतना पड़ेगा। और जीतूगा कौन? पपला गुज्जर। हाँ वो तो टाइम बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो गाइस यार ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे जीत ही जाएगा सही में। नहीं नहीं यार ये नहीं जीतना चाहिए। और ये भाई रैम चलन कितना ज्यादा बड़ा है, देख रहे हो आप लोग सामने कितनी सारी चीजें हैं। अरे सबको पार करेगा पपला गुज्जर।
हाँ मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि पार नहीं करेगा, तू जीतेगा यार, बिल्कुल जीतेगा। वो तो मैं जीतूंगा ही। ओके तो गाइस यार ये आगे बढ़ता जा रहा है। अबे ये क्या हो गया, लगता है इसकी बाइक की पावर खत्म हो गई। अरे ये ले। अबे भाई साहब मुझे नहीं लगता कोई तू तगड़ा ड्राइवर है। ये ले, ड्राइवर नहीं राइडर। हाँ भाई सेम सेम पर डिफरेंट। नो मनी नो हनी। अरे अरे बस 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 ज्यादा नहीं गाने का। अरे मैं भी चलाता हूँ इंस्टाग्राम। अबे तेरी क्या आईडी है? अरे पपला गुज्जर डोन। अबे भाई साहब इसकी तो आईडी भी खतरनाक है। और यार इंस्टाग्राम से याद आया, आप लोगों ने शायद अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम के ऊपर। जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां जाके मुझे फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल पे पहली बार आए भूल बैठ के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस यार यहां पर पपला गुज्जर भी है, डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे बेटे अब तेरी बारी है, देखते हैं क्या तू इस रैम चैलेंज को कर पाता है या फिर तू भी उन लोगों की तरह चुल्लू भर पानी में डूब मरता है। ये चुल्लू भर पानी है क्या? अरे नहीं समुंदर वैसे तो। हाँ तो चुल्लू भर नहीं हुआ ना। हाँ तो मतलब कहने के लिए चुल्लू भर पानी है ना। अरे चुल्लू भर थोड़ी है वो, तो इतना सारा पानी है। अरे यार तू कहावत को क्यों खराब कर रहा है, तू एक बात बता मेरे को। अरे तो बाबा चुल्लू भर पानी चुल्लू होता है, और इतना सारा बड़ा समुंदर है इसको चुल्लू नहीं बोलेंगे हम लोग। अरे पर कहावत में बोलने के लिए है ना यार, तू क्यों दिमाग खा रहा है? हाँ तो टेंशन मत ले बाबा, अभी जीत जाऊंगा मैं। तो गाइस यार यहाँ पर राइडर तो तुम्हारा भाई भी ऐसे खतरी है बिल्कुल, हमने बहुत सा प्लेंडर बुलेट चलाई है तो हम लोग बिल्कुल उठा देंगे आगे से सारी चीजें ने। और ये देखो गाइस यार कैसे हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे मस्त तरीके से। अल्लाह भाई। तो गाइस यार यहाँ पर मेरा दोस्त जो बम लहरी था वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, पर हम लोग उससे आगे जाएंगे क्योंकि वो लेके गया था 4x4 ट्रक और हम लेके जा रहे हैं बाइक, क्योंकि बाइक इजी पड़ेगी यहाँ पर। और देख रहे हम लोग कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं मस्त तरीके से। और गाइस यार एक चीज तो माननी पड़ेगी, यहाँ पर जो रैम चैलेंज है वो काफी ज्यादा हार्ड बनाया है, मतलब बार बार में बीच में देख रहे छोटे छोटे बंपर टाइप में बना रखे जिससे बाइक बहुत ज्यादा उछल रही है। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तगड़ा राइडर है तो सारी चीजों को क्रॉस कर देगा। तो यार मैं तो शायद काफी ज्यादा तेज चल रहा हूँ उससे, पर यार मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। इस वाली बाइक के अंदर मेरे हिसाब से ब्रेक्स थोड़े खराब है, ब्रेक्स टाइम पे नहीं लग रहे हैं, इसके ब्रेक टाइट करने पड़ेंगे। उस चीज के लिए मेरे को आप लोगों की मदद चाहिए, कोई मैकेनिक तो हमारे पास है नहीं इसके ब्रेक सही करने के लिए। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है ब्रेक, जिससे इसकी ब्रेकिंग और ज्यादा अच्छी हो जाए और टाइम पर ब्रेक लगे। तो आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो ब्रेक, जिससे इसके ब्रेक सही हो जाए, वरना कहीं तुम्हारा भाई हार गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जल्दी लिखो यार कमेंट बॉक्स के अंदर ब्रेक। ओके तो गाइस यार अभी हम लोग यहां पर आ चुके जहां पर पपला गुज्जर पहुंचा था, अब यहां पर मुझे तेज लेके जानी है बाइक। पेट हिल रहा बुरी तरह, और ये भाई सब परफेक्टली। चलो गाइस यार हम लोग तो काफी आगे आ चुके, अब यहाँ पर क्या करना है यार, ये तो कोई भूल भुलैया टाइप में है कुछ। नहीं नहीं इजी है, बस दिखने में ऐसा लगता है कि भूल भुलैया है पर भूल भुलैया है नहीं। ये देखो यार कितनी इजीली हम लोग क्रॉस करते जा रहे हैं। अब कहाँ जाना है, उस तरफ जाना है, चलो निकलते हैं जल्दी सी। ये लो भाई साहब नाइस। अबे भाई साहब ये गाड़ियां कैसे रखी बाबा आपने? मैंने नहीं रखी है, फिर किसने रखी? पहली बात वो गाड़ी नहीं बस है, बस। अच्छा अरे ये स्कूल के बच्चों की बस है यार। अरे स्कूल के बच्चों की बस क्या आपने क्यों छीन ली? अरे वो रोते स्कूल नहीं जाने इसलिए मैंने बस खरीद ली, अब उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ सच में आप तो मतलब मेरे दोस्तों की भी स्कूल की बस छीन सकते हो ना फिर? हाँ बिल्कुल। ओके तो गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो आपके स्कूल की बस गायब हो जाए तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कल से आपकी बस नहीं आएगी फिर। और हाँ कर दो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चमत्कारी हूँ मैं। ओके तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके स्कूल की बस गायब हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो बस गायब हो जाए और आपकी बस गायब हो जाएगी कल से छुट्टी तुम लोगों की। ओरे कर दो जल्दी कर दो। ओके तो गाइस यार यहाँ पर देख रहे हम लोग कितनी तेज मस्त मस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यार मेरे को लगता है बस मैं जीतने वाला हूँ, देखो मेरे को फिनिश लाइन दिखाई दे रही, वो रही वहाँ पर वो ग्रीन ग्रीन सर्कल दिख रहा है वो ये फिनिश लाइन। ओ ये क्या है यार, अभी ये तो वो है ना बैट बॉल खेलने के लिए। अरे बैट बॉल नहीं, ये असल में फुटबॉल खेलने के लिए। अरे हाँ भाई बाबा सेम सेम। अरे सेम सेम पर डिफरेंट, आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो क्या और क्या? अरे यार ओए बस हम लोग जीतने वाले, देखो पूरी फिनिश लाइन। चलो भाई साहब आगे तो उठा के, अरे भाई साहब दे ये ले। और ये हम लोग पहुंच गए फाइनली। अरे बाबा ये क्या, ये गाड़ी क्या कर रही है यहाँ पर? पूरा जीतने वाले को ये गाड़ी तो मिलेगी। अरे कैसी गाड़ी है यार, आखिर ये गाड़ी कैसे किसी की लाइफ चेंज कर सकती है यार? दिखने में तो काफी मस्त है यार, पर इतनी महंगी भी नहीं लग रही है मेरे को नहीं लगता है मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। बाबा आओ ना बताओ ना इस गाड़ी के बारे में। पूरा बेटे ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये बड़ी कमाल की गाड़ी है। अच्छा इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर एक जिंद है। जिंद? अरे जीनी। अच्छा जीनी जो विश मांगते हैं जिससे पा? हाँ वही, इसके अंदर एक जीनी है। फिर वो जीनी कैसे आएगा? और उसके लिए तेरे को गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा और जीनी को बुलाना पड़ेगा। अच्छा हाँ बेटे मैं चला अभी यहाँ से, बाय। ओके तो गाइस यार बाबा तो चलेगा यहाँ से, पर बोल रहे इस गाड़ी के अंदर कोई जीनी है और मेरे को नहीं पता वो जीनी कहाँ पर फंसा होगा। है जीनी अगर, ओए एक सेकंड,
बोलो गाइस, यार सब कुछ में यहाँ पर एक जीनी है यार। ओ माय गॉड, ये देखो इस गाड़ी के अंदर एक जीनी है। ओ भाई, मैंने आज से पहले इतनी सारी गाड़ियां चलाई है, पर मैंने आज से पहले इतनी कमाल की गाड़ी कभी नहीं देखी जिसके अंदर एक जीनी हो। तुम मेरी सारी इच्छा पूरी करोगे? हाँ, जो तुम मांगोगे। ओ भाई, मजा आ गया बिडू। चलो गाइस यार, चलते हैं जल्दी से। क्या कमाल का गाड़ी मिली है मेरे को, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अरे यार, ये ट्रैक्टर मेरा तो बहुत ज्यादा पुराना है सही में, क्योंकि मैंने किसी कबाड़ी से खरीदा था और ये अब चल भी नहीं रहा है। इससे तो खेत जोतने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है यार, क्या करूँ। मेरे को शायद सुमित भैया से ही काम करवा लेना चाहिए था। अब क्या करूँ, जो मेरा यहाँ पर काम करने वाला था वो भी छोड़ के चला गया, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा धमका दिया था, क्योंकि उसने सुमित भैया को काम पर बुलाया था ना इसलिए, पर वो भी छोड़ के चला गया। अब मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे इस खेत को जोतूं। कितना बड़ा खेत है यार, एक तो ये ट्रैक्टर इतने धीरे धीरे चल रहा है, ऊपर से इतनी तेज वाली गर्मी आ रखी है। क्या करूँ, क्या करना चाहिए यार, ये ट्रैक्टर तो कैसे घिसट रहा है बुरी तरह, कंट्रोल में नहीं चल रहा है। अरे ट्रैक्टर बाबू, कंट्रोल में आ जाना। अरे यार, क्या कबाड़ा खरीदा है मैंने सही भी, इससे तो खेत बहुत देर में जोता जाएगा यार, क्या करूं। अरे ये लो, ठुक भी गया। अट मैंने चला रहा कबाड़ा कहीं का, अपनी सुपर कार ही चलाता हूँ जाके, पर क्या करूं, खेत तो करवाना पड़ेगा, किसी ना किसी से किसे बुलाऊं, कौन से ट्रैक्टर वाले को बुलाऊं। तो चलो गाइस यार, अभी हम लोग आज के वापिस कहां पर, सिंचैन से अपना बदला लेने के लिए, जो सिंचैन ने मेरी बेइज्जती की थी ना उस चीज का बदला लेने के लिए। और गाइस यार, ये जो मेरा जीनी है ना, मैंने इससे करोड़ों रुपए मांग लिए और मेरे पास अभी करोड़ों रुपए है। तो हम लोग वापिस आ चुके हैं यहां पर। ओ तेरी जय, रन सिंचैन का बच्चा। अरे क्या गाड़ी है मस्त वाली। और सिंचैन क्या हाल है? सुमित भैया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्रैक्टर लेके क्यों नहीं आए? तुम्हारा मुझे काम है तुमसे। अब छोड़, मुझे तो उससे वैसे बात करने का मन नहीं है, बस यहाँ पर ये बताने आया था कि मैंने तेरा ये पूरा खेत खरीद लिया है, तो आज से ये तेरा खेत नहीं है, और यहाँ से आज से यहाँ का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड मैं हूँ, ठीक है ना? अरे क्या सुमित भैया, कैसे? ये लो, तुम्हारा इच्छा पूरी हुई। ओके, तो गाइस यार, ये मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। अरे सुमित भैया, ये क्या, इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे कहीं से भी आया हो मेरे पास, मैंने पूरा खेत खरीद लिया आज से तेरा, ठीक है, और आज से यहाँ का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड मैं हूँ। अरे सुमित भैया, तुम्हारा ट्रैक्टर कहाँ गया? ट्रैक्टर मैंने छोड़ दिया भाई, अब मैं ट्रैक्टर नहीं चलाता। अरे सुमित भैया यार, सुबह तक तो तुम ट्रैक्टर चला रहे थे और अब तुम इतने अमीर कैसे बन गए? ये ले तेरी, ऐसे तेरे को क्यों जवाब दूं मैं? अरे सुमित भैया, मत मारो प्लीज यार, मुझसे बहुत बड़ी वाली गलती हो गई, माफ करता हूँ। नहीं नहीं, मैं तेरे को माफ नहीं कर सकता, सुबह की मेरे को सब याद, कैसे तो मेरी बेइज्जती कर रहा था। अरे सुमित भैया, मैं तो छोटा आदमी हूँ यार, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, सुबह तो तू बड़ा बोल रहा था कि तू छोटा नहीं मैं बड़ा हूँ, क्या बोल रहा था, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। अरे सुमित भाई यार, वो मैं थोड़ा नशे में चूर था पैसों के। चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय बाय। अरे रुको रुको, अबे क्या कर रहा, गाड़ी में क्यों बैठ रहे? अरे सुमित भाई चलो यार, अब यार ये तो बहुत गलत है, तो मेरे साथ जा रहा है। अरे चलने दो। ओके, तो गाइस यार, मेरा जीनी बोल रहा है कि मुझे इसको अपने साथ लेके चलना चाहिए, तो मैं अभी मेरी जीनी की मान लेता हूँ। अरे सुमित भाई, किससे बात कर रहे हो तुम? मैं किसी से बात करूँ, तुझसे क्या मतलब? अरे ठीक है सुमित भाई, सॉरी एक और बार। तो गाइस यार, सिंचैन को मेरे साथ ही रख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आयो पापा को आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी मेरे को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो, नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। अरे सुमित भैया, इस गाड़ी के अंदर कुछ तो लोचा, इतनी तेज कैसे भाग रही है ये? मेरी सुपर कार भी नहीं भगती इतनी तेज तो।